अरे मतलब क्या हो गया है? स्प्रिंग खा के आ गया हूँ क्या? नहीं, मैं डांस देख के आ रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया है। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ आपका खास खुराफाती, जिसे आप जानते हैं भली भांति। हम हैं आपके पिंटू पांडे और स्वागत करते हैं आपका म्यूजिक, मस्ती और बॉलीवुड गेम से भरे हुए फुल टू फिल्मी शो में, जहाँ है एंटरटेनमेंट की फुल गारंटी बिग टॉप 20। आज के एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के 20 सुपरहिट गाने, करेंगे मेहमान से घमासान, बढ़ाएंगे आपका बॉलीवुड ज्ञान। और आज के एपिसोड में हम बताएंगे कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के बारे में 10 ऐसी बातें जो शायद आपने पहले नहीं सुनी है। तो शुरू करते हैं खुराफात और करते हैं खबरों की खिंचाई। लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने कहा है कि दंगे मुजफ्फरनगर में नहीं, बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए हैं। इस पे एक प्राचीन लेखक का कहना है, अरे जावेद जी, लिख दिया तो लिख दिया, अब घबराने की क्या जरूरत है? वैसे भी देश का इतना मजाक बन चुका है कि हर चीज को लोग मजाक में ही ले रहे हैं। और आप परेशान मत होइए, कोई ध्यान से नहीं पढ़ता इन सब चीजों को, लिख के ले लीजिए। बाबा रामदेव का कहना है, राहुल गांधी की बुद्धि औसत से भी कम है। इस पे पताली जी का कहना है, सुनिए, ज्यादा कमेंटबाजी मत कीजिए, नहीं तो राहुल ऐसा हुल देगा कि आपके ऊपर राहु सवार हो जाएगा, फिर योगा से भी नहीं उतरेगा। एमपी के इंदौर शहर में एक ऐसे गणेश जी हैं जो मोबाइल पे सुनते हैं भक्तों की गुहार। इसमें आश्चर्य वाली कौन सी बात है भाई? मोबाइल का संबंध तो उनके वहां बहुत पहले से है। बहुत पहले से भाई? उनके भाई साहब मोबाइल में इतने बिजी रहते हैं कि उनपे तो फिल्म भी बनी है। करती कॉलिंग करती। उद्योगपति रतन टाटा का कहना है कि भारत ने दुनिया का भरोसा खो दिया है। इस पे बिहार के एक भरोसेमंद आदमी का कहना है, अभी तो दुनिया का भरोसा खोया है, जिस तरह के नेता लोग यहाँ आ रहे हैं, बहुत जल्दी दुनिया भारत को खो देगी। सुनने में खबर आई है कि भारत में सेक्स का स्तर उठता जा रहा है। इस पे एक आदमी का कहना है, सेक्स के स्तर पे ध्यान दे रहे हैं और यहाँ सेंसेक्स नीचे गिरता जा रहा है, उसके स्तर को उठाइए। अब बारी है तीन मस्त गानों की, तो सुनिए गाना नंबर 20, 19 और 18।